लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे सिस्ट की फंक्शनल एंड पैथोलॉजिकल सिस्ट की तो एटियोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें एबनॉर्मल और नॉर्मल या फंक्शनल और पैथोलॉजिकल सिस्ट के बारे में जो है वो बताया हुआ है मोस्ट ओवेरियन सिस्ट अकर्स एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ओवरीज जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो अक्सर और बेशतर क्या होता है कि नॉर्मल वर्किंग होती है ओवरीज की ठीक है दिस सिस्ट आर जनरली हार्मलेस एंड डिसअपेयर विदाउट ट्रीटमेंट इन अ फ्यू मंथ्स और ये सिस्ट जो है वो गायब भी हो जाती हैं ठीक हो जाती हैं सही हो जाती हैं कुछ मंथ में ही विदाउट ट्रीटमेंट अगर इनका ट्रीटमेंट ना भी लो तो भी जो है ये ठीक हो जाती हैं बिगा बिना किसी ट्रीटमेंट के बिना कुछ किए जो है ये खुद ही डिसअपेयर हो जाती हैं क्योंकि ये फंक्शनल होती हैं ओवरीज़ की वर्किंग की वजह से ही दिखाई दे रही होती हैं ऐसे सिस्ट ठीक है हाँ वो सिस्ट जो पैथोलॉजिकल हैं उनमें जो है वो क्या होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगती है वो मैंसुरल साइकिल से रिलेट नहीं करती ठीक है उनमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही होती है और ये कैसे डेवलप होती है दे कैन डेवलप बिफोर एंड आफ्टर द मेनोपॉज ये ये कभी भी हो सकती हैं या तो लाइफ में भी हो सकती हैं और जो है वो ये हो कि बिल्कुल जो है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टॉप हो गई मेनोपॉज आ गया उसके बाद भी हो सकती हैं कंडीशंस देख लें इनकी तो कंडीशन डेट कॉज सिस्ट वो कंडीशन जो सिस्ट कॉज करती हैं तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर जो बताई हुई है एंडोमेट्रियोसिस बताई हुई है आगे चलकर इसे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे हम एंडोमेड्रोसिस क्या होता है ठीक है उसके अलावा दूसरी बताई हुई है पोलिसटिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन जो है वो नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं अक्सर और बेहतर हम सुनते रहते हैं पोलिसटिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया पोलिसटिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया तो क्या कंडीशन है भाई पोलिसटिक ओवेरियन सिंड्रोम होता क्या है ये वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो क्या हो जाती हैं सिस्ट डेवलप हो जाती हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो हार्मफुल हो वो हार्मलेस होती हैं अलॉट्स ऑफ स्मॉल हार्मलेस सिस्ट डिवलप ऑन योर ओवरीज ओवरीज के अंदर आपकी ओवरीज के अंदर जो है वो छोटी छोटी काफी सारी हार्मलेस सिस्ट जो है वो डिवलप हो जाती हैं तो उसे बोल रहे होते हैं पोलिसिस्टिक ओवेरियंस सिंड्रोम दिस्ट आर स्मॉल एक्स पॉलिकल ये डू नॉट ग्रो टू ओवलेशन एंड आर द रिजल्ट ऑफ अल्टरनेट हार्मोन लेवे अब ये कॉन्सिस जो है ये क्या कर रही हैं ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर ये वो स्मॉल पॉलिकल्स होते हैं जो ओविलेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेते ठीक है जो ओवलेशन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे होते एक तो सा जो है फॉलिकल्स का काम है कि जो है वो मिच्योर होना और फिर ओवलेशन, लेकिन ये वो फॉलिकल्स होते हैं जो ओवलेशन में हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये जो है ना सिस्ट बन जाते हैं छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट बना लेते हैं ओवरीज के अंदर तो उसे जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम दे दिया जाता है पिछले लेक्चर में बात की थी कि फंक्शनल और पैथोलॉजिकल दो सिस्ट होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के ही लेक्चर में फंक्शनल वाली जो है फंक्शनल सिस्ट जो है पहले उनको देख लेते हैं ये डिवेलप हो जाती हैं एज अ पार्ट ऑफ मैचुरल साइकिल एंड आई हॉमलेस एंड शोर्ट लाइफ कब डेवलप होती हैं ये, ये असल में ये होती है साइकिल का ही पार्टी ओवरीज के अपने फंक्शन होते हैं ओवेरियन फंक्शन की वजह से ही ये डेवलप हो जाती हैं ठीक है ओवरीज के अपने फंक्शन से ही ये डेवलप हो जाती हैं सिस्ट और कब हो रही हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही पार्ट हो, होती हैं ये अक्सर वेशतर लेकिन हार्मलेस होती हैं और शॉर्ट लाइफ होती हैं खुद ही विदाउट ट्रीटमेंट जो है ये ठीक भी हो जाती हैं और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता ठीक है द मोस्ट कॉमन टाइप है ओवेरियन सिस्ट की वो फंक्शनल सिस्ट ही होती है ओवेरियन सिस्ट सुनकर जो है वो एकदम से पेशेंट परेशान हो जाता है बिल्कुल कि ये क्या सिस्ट हो गई मेरे बिल्कुल मैं जो है वो कोई बहुत बड़ी कहानी बन गई मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ओबेर सिस्ट जो है ज़्यादातर जो होती हैं वो फंक्शनल होती हैं उसके बाद बात करेंगे पैथोलॉजिकल सिस्ट की वो सिस्ट जो बाकी ही जो है वो कोई हार्मलेस हार्मफुल होती हैं तो वो वाली कौन सी हैं वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से होती हैं सही है लेकिन ये होती कम है दे आर मच मच लेजर कॉमन ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ये कम है ज्यादातर जो कॉमन है वो फंक्शनल वाली है। ही है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट ही कॉमन है फॉलिकुलर सिस्ट जिन्हें जो है वो बिनाइन ओवेरियन सिस्ट भी कहा जाता है ये फंक्शनल होती हैं ठीक है ठीके? जिनके अभी हमने बात की फंक्शनल सिस्ट इन्हें देख लें आप यह देख भी सकते हैं फॉलिकुलर सिस्ट ये जो है वो फॉलिकल ही जो है ना वो इसमें फ्लूड भर गया और ये बड़ा हो गया सिस्ट की तरीके से जो है वो दिख रहा है इसेंशली दे आर फ्रूट फिल्ड पॉकेट ऑफ द टिश्यू डेट कैन डेवलप ऑन और इन योर ओवरीज ये कहाँ ये अभी मैंने बताया आपको कि क्या है फ्रूट फिल पॉकेट्स हैं टिश्यूज़ के टिश्यूज़ में जो है वो फ्रूट बढ़ गया है फ्रूट फिल पॉकेट्स जो हैं वो बन गए हैं और ये कहाँ डेवलप होते हैं या तो ओवरीज के अंदर या ओवरीज पर ही ठीक है दे आर कॉमन अकल इन वुमेंस रिप्रोडक्टिव एज एज अ रिजल्ट ऑफ ओविशन ओविशन की वजह से ही मतलब मैंने बताया ना कि ओवरीज का अपने ही फंक्शन की वजह से ये डेवलप हो जाती हैं ये ये फंक्शनल होती हैं तो ओवरीज के अपने ही जो है ना वो फंक्शन की वजह से ये डेवलप हो जाती हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ज़्यादातर लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब प्यूबर्टी से पहले भी जो है ना ये दिखाई दे जाए बहुत जो है ना वो रेयर केस है ये के जो है ना प्यूबर्टी हुई नहीं है और उससे पहले ही जो है ना वो दिखाई दे रही है फंक्शनल सिस्ट ये बहुत रेयर केस है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट आर द टाइप ऑफ फंक्शनल ओबेरियन सिस्ट हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि अगर जो है ये इसकी रिग्रेशन या डिजनरेशन ना हो तो फिर ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो ये वो सिस्ट है ये भी फंक्शनल है ठीक है ये भी फंक्शनल ही ये भी ओवेरियन फंक्शनल सिस्ट के अंदर ही आएंगी ये होता कब है जब कॉपोरस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट ना हो पाए हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कॉपोरस ल्यूटियम क्या होता है डी हो जाता है ओवुलेशन हो जाती है एक जो है वो रिलीज़ हो गया उसके बाद जो मटेरियल बचा है कॉर्पोरस ल्यूटियम वो क्या होता है डिजनरेशन की तरफ चला जाता है लेकिन अगर ये डिजनरेशन की तरफ ना जाए फेल टू रिग्रेस फॉलोइंग द रिलीज ऑफ एन ओमम ओवम अगर ये ओवम को रिलीज करने के बाद जो है वो अगर डिजनरेशन की तरफ नहीं जा रहा तो क्या होगा ये जो है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सही है लेकिन इसमें हो सकता है कि सीरियस कंडीशन भी हो जाए कब सीरियस कंडीशन होगी जब ये इसका साइज बहुत बड़ा जो है वो हो जाएगा अगर साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर जो है ना ये मसला करेगी और हो सकता है कि ओवरीज में ट्विस्ट ओवरीज जो है वो ट्विस्ट हो जाए तो फिर जो है वो ख़तरनाक कंडीशन इसकी बन सकती है या ओवरी जो है वो टॉर्जन की तरफ चल जाए बिल्कुल अपने ऊपर ही ट्विस्ट हो गई है अपने ऊपर ही जो है वो घूम गई है टॉर्जन हो गया या इधर उधर अपनी जगह से ही मतलब गायब है अपनी जगह से ही जो है वो उसने अपनी पोजिशन ही चेंज कर ली है टॉर्जन हो गया तो उस वक्त हो सकता है कि ये जो है वो ख़तरे का बायस बने उसके अलावा इसके पास जो है क्या रिक्स है रिक्स ऑफ रॉपनिंग दे कॉज इंटरनल ब्लीडिंग अगर ये सिस जो है वो क्या हो फट जाए ओवर साइज हो और फट गई तो फिर क्या होगा इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ये वो वक्त है जिसमें जो है वो फिर डेंजरस हो सकती है अदरवाइज़ ये इतनी जो है वो ख़तरनाक नहीं होती हैं हाँ डरमाइपसिस सिस्ट जो हैं ये जो है वो फिर आप ले सकते हैं कि हाँ ये वाली जो अपसिसट हैं ये वाली सिस्ट पैथोलॉजिकल सिस्ट में जाएंगी ये फंक्शनल नहीं कहलाएंगी सही चाहिए सिस्ट आर कॉज व्हेन स्किन एंड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बिकम ट्रैप ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट जब फीटल की डेवलपमेंट हो रही हो तो उस दौरान जो है वो क्या है कि उस दौरान उसके हेयर्स उसके जो है वो तूत अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे हों तो उनके जो हैं वो दांत होते हैं अक्सर व... मतलब रेयर केसेस है लेकिन हो जाता है तो उसके जो है वो दांत या उसका स्किन स्ट्रक्चर तो वो क्या है वो ओवरीज के अंदर जो है वो लिपट जाए उसमें जो है ना वो बिल्कुल ट्रैप हो जाए तो उसमें क्या होगा कि बहुत जो है वो फिर मसला होगा फिर ओवरीज मतलब जाहिर सी बात है अगर उसमें बाल फंस जा रहे हैं या उसमें जो है वो दांत फंस रहे हैं स्किन स्ट्रक्चर्स जो है वो उसमें फंस रहा है तो फिर क्या होगा ये देखें हशर देखें ओवरी का ये बाल बाल जो है वो दिखाई दे रहे हैं इसमें दांत भी मैं आपको जो है वो एक और पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ देखें आप यहाँ पर तो सारी ही एग्जाम की जो है वो सिस्ट यहाँ पर दिखाई हुई हैं फंक्शनल सिस्ट इन हो गया फॉलिकल ठीक है ड्रमोइट सिस्ट जिसकी अभी हमने बात की ये देख रहे हैं आप ओवरी के अंदर हेयर्स अब नॉर्मली तो ये नहीं हो सकते ना ठीक है ड्यूरिंग जो है वो फीटल डेवलपमेंट जो है उसके बाल फंस गए यहाँ पर ये तू जो है वो दिखाई दे रहे हैं ये देखें फैट आ गया है स्किन स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं तो फिर ये डरमोइटिस जो है ये तो लाजमी लाजमी फिर खतरनाक होनी है ओवेरियन सिंड्रोम अभी जो हमने बात की थी ये देखें छोटे, छोटे 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 जो हैं वो फॉलिकल्स क्या है यहाँ पर छोटे 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 फॉलिकल जो ओबिलेशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनो, वो उन्होंने सिस्ट बना लिया वो इस तरीके से जो है ना वो के ऊपर आ गए तो फिर जैसे जो है हम पोलिस ओवील सिंड्रोम कहेंगे इसके अलावा ये और ये अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद इनको देखेंगे अब हम बात करेंगे सिस्टर डिनोमास के बारे में ये जो है वो किस तरीके के ट्यूमर होते हैं ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो कहाँ राइज हो जाता है सरफेस अपीथीलीम जो होती है ओवरी की ओवरी की जो सरफेस अपीथीलीम है जो ऊपर की जो सरफेस है वहाँ पर जो है ना ये राइज हो जाते हैं लेकिन ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ठीक है सरोसिस और मिनिकस दो जो है वो टाइप के यहाँ पर सिस्टाडन डिनोमास यहाँ पर बताए हुए हैं इसमें ये होता है कि जो सरस ओवरीज ट्यूमर हैं वो जो है वो क्या होते हैं स्मॉलर होते हैं म्यूकस वाले से मिनिकस जो हैं वो थोड़े से जो है वो बड़े होंगे और ये जो दूसरे वाले जो हमें बताएं सरस ओवरियन ट्यूमर्स ये वाले जो हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं दे आर टिपिकली यून एंड होमोजीनस बिल्कुल जो है वो यूनी मतलब एक ही लोक्यूल के होंगे और जो है उसमें क्या होगा होमोजिनस बिल्कुल जो है वो होते हैं एक जैसे बिल्कुल दिखाई देंगे ठीक है दे आर ऑप्शन बायोलेटरल कभी बायोलेट्रल भी होते हैं यूनी मैंने बताया ना कभी जो है वो क्या होंगे बायोलेटरल हो जाएंगे और फिर जो है ना ये कहाँ करेंगे जाने की फॉर द मेलेगनेंट सब टाइप्स मेलेगनेंट की तरफ फिर जो है वो जाएंगे बिनाइन होंगे तो यूनिलोक्यूलर वगैरह होंगे होमोजिनियस होंगे जिस तरीके से बिना ट्यूमर्स होते हैं जब मेलेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनमें जो है वो उनकी शाखा निकलने शुरू हो जाती है उनके जो है वो बायोलेटर वही यूनिलोक्यूलर से बायोलोक्यूलर हो जाएंगे और अपनी जो है वो जड़ें जमाना इधर उधर जो है वो शुरू हो जाते हैं तो मेलेग्नेंट की तरफ जाएंगे लेकिन वैसे जो है ज़्यादातर बिनाइन ही होते हैं हाँ एंडो एंडोमेट्रियोसिस हमने बोला था कि हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो एंडो एंड एंडोम्यूच्रोमा एंडोमेट्रियोमास जो हैं ये वाली जो टाइप है सिस्ट की ये कब होगी जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो हैं वो कहाँ पर ग्रो करें ओवरीज के अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू जो एंडोम्यूच्रियम होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनर वॉल इनर लेयर है यूट्राइन वॉल की वो क्या है एंडोमीट्रियल की बात करते हैं हम एंडोमीट्रियल टिश्यूज़ होते हैं तो वो कहाँ यूट्रस से निकल के कहाँ ग्रो करना शुरू हो जाए ओवरीज में ग्रो करें तो फिर जो है वो हम क्या कहेंगे एंडोमीट्रियोमास ये भी बिनाइन होते हैं लेकिन ये क्या है एस्ट्रोजन डिपेंडेंट सिस्ट हैं एस्ट्रोजन e डिपेंडेंट सिस्ट हैं तो एस्ट्रोजन का काम कहाँ है ओवरीज को पर तो ये जो है वो ओवरीज पर जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जितना सारा जो है एस्ट्रोजन है वो खुद ही जो है ना वो ये ले लेते हैं ओवरीज को जो है वो नहीं देते और खुद एस्ट्रोजन डिपेंडेंट बन जाते हैं और जो है सारा एस्ट्रोजन खुद लेने लग जाते हैं वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव अच्छा होते कब है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ही जो होते हैं इज़ अ डार्क फ्लूड फिल्ड कैविटी अच्छा ये जो इसकी जो कैविटी होती है इसकी जो सिस्ट होती है वो कैसी हो वो कैसी होती है बिल्कुल जो है वो डार्क जो है उसका कलर होता है डार्क फ्लूड फिल्ड क्यों क्योंकि इसमें ब्लड होता है ना वो जो एंडोम एंडोमिट्रियल टिश्यूज़ हैं वो ब्लडी ब्लड blood तो हैं ब्लडी ब्लड तो होता है उसके अंदर तो वो जो है वो फिर इसके अंदर जब ग्रो करते हैं तो क्या होगा तो बिल्कुल डार्क कलर के दिखते हैं और चॉकलेट सिस्ट भी जो है इन्हें कहा जाता है अच्छा मैंने कहा था आपसे कि ये वाले दो डिस्कस कर लें फिर हम वो भी देखते हैं पिक्चर जी देखें यहाँ पर अब बिल्कुल जो है वो किस तरीके की दिख रही है ब्लड से क्यों एंडोमिट्रियम जो है वो यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दिए तो यहाँ बिल्कुल जो है वो जब इसे देखेंगे तो चॉकलेट जो है वो सिस्ट इसे जो है वो कहा जाता है सिस्टोडनो देखा था हमने सिस्टोडिनोमेटर्स ये क्या होते हैं कि कहाँ पर अराइज हो रहे हैं बिनाइन है लेकिन अराइज कहाँ पर हो रहे हैं सरफेस एपिथीलियम ऑफ द ओवरीज ओवरीज की सरफेस एपिथीलियम पर अराइज हो जाते हैं लेकिन ये बिनाइन है साइन सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर साइन एंड सिप्टो जो दिखेंगे इन सिस्ट के वो क्या दिखेंगे एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और स्वाइलिंग एबडामन अब्डौ, जो है वो सूजा सूजा सा जो है वो दिखाई देगा पेनफुल बॉबल मूवमेंट पेट में जो है वो बॉबल मूवमेंट जो है वो बहुत तकलीफ होगी पेल्विक पेन होगा ड्यूरिंग और बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड से पहले जो है वो बहुत पेल्विक पेन फील होगा पहले भी और हो सकता है फील और जो है वो उस दौरान भी होगा ठीक है पेनफुल इंटरकोर्स इंटरकोर्स के दरमियान बहुत तकलीफ होगी पेन इन द लोअर बैक और थाइस ब्रेस्ट रेडनेस होगी नोजिया वॉमिटिंग ये सारे जो है वो सिम्टम्स हैं इसके इनकी कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे